क्या आप भी अपने बच्चे में कोई अनयूजुअल चेंज देख रहे हैं? शायद सोने में तकलीफ, रात को अजीब से सपने आना। क्या सही समय है जब आपको अपने बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ काउंसलर को दिखाना चाहिए? क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो आपको समझने हैं और आपको अपने बच्चे को सही सलाह के पास लेकर जाना है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं व्हाट आर दोज 5 वार्निंग साइंस दैट इलस्ट्रेट दैट योर चाइल्ड नीड्स हेल्प। ऐसे 5 सिग्नल्स जो आपने बिना देखे इग्नोर नहीं करने हैं, जो ये बताते हैं कि आपके बच्चे को हेल्प की, इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है। इस वीडियो को सुनने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं आपको बता पा रही थी कि ऐसे कौन से 5 सिग्नल्स हैं जो आपने अपने बच्चे के बिहेवियर में बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आपके बच्चे को एक इमोशनल हेल्प की, एक काउंसलर की, एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। साइन नंबर 1, यू फील दैट योर चाइल्ड्स ग्रेड्स इन स्कूल आर डिक्रीजिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस और ग्रेड्स एकदम से कम होने लगे हैं, तो ये एक साइन है कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। इसके पीछे का कारण शायद कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, शायद कोई बुलिंग, शायद कोई ऐसा इंसिडेंट जो बच्चा अपने दिमाग से नहीं भुला पा रहा है, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर ग्रेड्स एकदम से कम हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हेल्प की जरूरत है। टिप नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा एकदम से सीक्रेट हो गया है, एकदम से सीक्रेसी ले रहा है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा, एकदम से चुप हो गया है, दोस्तों से बात करनी उसने बंद कर दी है, अजीब सा बिहेवियर करने लगा है, इससे आपको समझना शुरू करना है कि आपके बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। शायद कुछ ऐसा है जो उसे कम बोलने पर मजबूर कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो अंदर ही अंदर गो थ्रू कर रहा है, अंदर ही अंदर उसमें कुंठा पैदा हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जिसे वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। साइन नंबर 3, इफ़ यू फील दैट योर चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम गोइंग टू बेड। रात को सोते वक्त या सोने से उठते वक्त वो बार बार ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत सपने आ रहे हैं, वो डर के उठ रहा है, नींद आने में दिक्कत हो रही है, या फूड की हैबिट्स में आप कोई चेंजेस महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे को कोई इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है और तब उसे एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की बहुतायत ज़रूरत है। टिप नंबर 4, सिग्नल नंबर 4 सेज कि अगर आपका बच्चा एकदम से बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, एग्रेशन दिखा रहा है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साइंस है कि उनको रोल कन्फ्यूजन है, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रियर प्रेशर हो सकता है, ये भी एक सिग्नल है कि उन्हें किसी इमोशनल वेंट आउट की, इमोशनल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। सिग्नल नंबर 5, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एकदम से वरी करने लग गया है, एक्सेसिव टेंशन लेने लग गया है, या एक ही बात को बार बार पूछ रहा है, कल हमने जाना है ना, ऐसा होगा तो नहीं, वो आंटी हमसे क्या बोलेंगी, वो अंकल मेरे से क्या बोलेंगे, आपको टीचर क्या बोलेगी, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, अगर आपको लगता है कि वो एक्सेसिव वरी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। तो इन साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ये ऐसे साइंस हैं जो अगर आपने इग्नोर करें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपके आसपास कोई काउंसलर नहीं है तो खुद एक काउंसलर बने, बच्चे के साथ बैठें, उसके दिल की बात करें, और अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो टीचर से हेल्प लें, और नहीं तो स्कूल काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट को डेफिनेटली अपने बच्चे को दिखाएं। प्रॉब्लम बढ़ेगी, बच्चे का सेल्फ एस्टीम ज़्यादा टूटेगा, वो लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा और वो धीरे धीरे उसके नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले एक सही पर्सन की सलाह लेना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहें, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और मेरे से जुड़े रहेंगे। मैं एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी जो आपको बताएगा कि किस तरह की पेरेंटिंग सबसे अच्छी पेरेंटिंग है।